उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक एक एक चार 1978 1978 एक चार 1978 78 में जी सर। गाड़ी में बैठो, धक्के खा खा के जाओ मिला के उधमपुर वाले भी और चंडीगढ़ वाले भी ऑलमोस्ट हमारे पास 800 सीट बनी थी जी। तो और नहीं किसी कारण नहीं आ पाए और यहाँ पे जो कमांड साहब जो 9 सेक्टर के हैं वो आए हुए हैं, उन्होंने मतलब अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है। जो भी मतलब बैंक का बैंक वाले भी आए हैं, CST दिया हुआ प्रोग्राम और अपना मेडिसिन वगैरह इसका भी दिया प्रोग्राम, तो क्या कहते हैं कि लंच वगैरह इनका भी प्रोग्राम किया हुआ है। उसके बाद में एक सर्विस सोल्जर बोर्ड के बारे में भी बताया, जो दफ्तर यहाँ पे खुला हुआ है उसके लिए वहाँ पे मुलाजम रखा जाएगा। और उसके बाद में ECHS का भी बोला इन्होंने कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो और उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और उधमपुर से भी एक देखो तुम्हारे पहले दिन पे ड्राइविंग लाइसेंस निकाल दिए है ना, ये तो इसको निकालने के लिए लर्निंग निकालने के लिए आपको 10 दिन तो उधर ही चक्कर कटाओ करते हैं है ना। शुभम कहाँ रहते हो तुम? दूध में रहते हो? पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि हो गया पढ़ाई? डिग्री में पेपर देते हैं। चलो गुड, तो सीखो ड्राइविंग है ना। चलो गुड नाइस। चलो गुड, ये आप इंस्ट्रक्टर हो, थोड़ा इन लोग के ऊपर में जोर लगाओ, अगर नहीं पकड़ते तो कान पकड़ के थोड़ा। और मेन है सेफ ड्राइविंग, इनको वो नहीं कि ना एक हाथ में मोबाइल वैसी वाली ड्राइविंग नहीं सिखानी। जो अच्छी ड्राइविंग सिटीज में करते हैं शहरों में करते हैं, थोड़ी ड्राइविंग के साथ में तहजीब भी सिखानी है ड्राइविंग के बारे में, किसको साइड देना है, क्या है इमरजेंसी लाइट्स, कौन सा है, थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तनवीर जी आपके अंडर में लड़के है ये, आपने इनको तैयार करना है ठीक है, पास होने चाहिए लास्ट दिन पे है ना। चलो गुड, चलो थैंक यू। मेरा नाम बुरहान अहमद है और मैं डूल बी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर हमें मतलब इंडियन आर्मी ने हमें ये फैसिलिटी दी ताकि हम ड्राइविंग सीखे। हम इंडिया के यूथ हैं, हम अपने किश्तवाड़ की यूथ हैं, तो हम अपनी बेरोज़गारी इससे दूर भी कर सकते हैं और आमतौर पर भी हम ऐसे ड्राइविंग करते रहते हैं, तो ये स्किल हमें होनी चाहिए। तो इंडियन आर्मी ने हमें ये मतलब दिया, सहूलियत दी है कि हम अपनी इस स्किल को बढ़ाएं। सबसे पहले हमें इन्होंने लर्नर लाइसेंस दी, इसके बाद हमें परमानेंट लाइसेंस भी मिल जाएगी इंडियन आर्मी की तरफ से। तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम ड्राइविंग सीखे और अपनी स्किल को बढ़ाए। तो थैंक यू। शुभम कुमार है, मैं आर ओ डोलदासा से हूँ। हमें इंडियन आर्मी ने इस काबिल समझा कि हमें यह लाइसेंस दी, तो शायद हमें एक महीने के बाद परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगी। और हम चाहते हैं कि हम अच्छे से ड्राइवरी सीखें, हम इंडियन आर्मी का नाम आगे बढ़ाए, तो इससे हमें बहुत अच्छा, हमें शायद आगे कोई काम भी मिल सकता है, इसकी वजह से हमारी कोई ज़िंदगी लाइफ का कोई सेटलमेंट हो सकती है, कोई कंपनी वगैरह हमें कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। हम बहुत खुश हैं इससे, लेकिन हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, थोड़ा सा महीने के अंदर अंदर शायद हम सीख जाएंगे। हमें आप पे भरोसा है कि आप हमें अच्छी तरह सिखा सकते हो। इंटरेस्ट करोगे आगे चल के ये कि क्या नाम है तुम्हारा? ओके चलो गुड। चलो मैं आप सभी लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सबसे पहले कि आपने कोशिश स्टार्ट फर्स्ट स्टेप लिया है ये ड्राइविंग सीखने के लिए, ठीक है। तो ड्राइविंग की आज किश्तवाड़ में ही नहीं पर पूरे इंडिया में काफ़ी अहमियत है ना। आप लोगों ने सुना रहेगा शहरों में ओला उबर्स और बाकी भी जो टैक्सी सर्विसेज है, पेड टैक्सी सर्विसेज है, कितनी चलती है ना। प्लस अभी अपने किसके लिए भी आपको ये, जब आप ड्राइविंग सीखोगे आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा, तो आपको जो हम हमेशा बोलते हैं कि किश्तवाड़ की यूथ स्किल्ड नहीं है, इसके लिए उनको जॉब नहीं मिलता, तो उनका एक मुद्दा तो ख़त्म हो जाएगा कि भाई स्किल्ड लेबर कहीं काम ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। प्लस अभी जैसे मुमकिन स्कीम वगैरह गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसके तहत आपको बहुत ही सब्सिडाइज रेट में आपको पिकअप ट्रक्स है या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आपको मिलती है, तो उसका भी आप आगे चल के बेनिफिट्स उठा सकते हैं, है ना। तो मैं करूँगा कि आप ये ड्राइविंग कोर्स है, बिना कुछ चिंता किए बैठता है तब आप अच्छा ड्राइवर माना जाएगा।
अगर जो आपके बगल की सीट में बैठा है वो परेशान है तुम्हारी ड्राइविंग से, मतलब तुम अच्छे ड्राइवर नहीं हो। नहीं, समझ में आई बात? जो आपके पीछे पिलियन राइडर बैठा होगा, जो आपकी बगल वाली सीट में बैठा होगा, वो आराम से महफूज वो करके जब बैठेगा तभी आप अच्छे ड्राइवर माने जाओगे। वो आप यहाँ पे रजिस्टर करवाइए, मेडिकल कैंप भी है उसका भी इस्तेमाल करिए। लेकिन उसके अलावा अगर सामूहिक या सार्वजनिक फायदे के लिए अगर किसी का कोई पॉइंट है तो हम जरूर जानना चाहेंगे, ताकि उसको हम अपनी तरफ से या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कुछ कदम उठाने होंगे हम उसको करवा सकते हैं। एक आपका जो टेलीफोन नंबर है वो आप बार बार चेंज ना करें, अगर चेंज करते हैं तो यकीन करें कि सब जगह जो है ये अपडेट हो जाए, क्योंकि अगर आपका टेलीफोन नंबर अपडेटेड नहीं होगा बहुत सारे चीजों का मैसेज आपके पास नहीं आएगा, चाहे ECHS और आज वो यहाँ पे भी आने की इच्छुक थे लेकिन कुछ एक कारणवश उनको वापस जाना पड़ा, तो क्योंकि मैं उनके साथ था तो फिर मेरे को रास्ते यहाँ पे वापस आके फिर मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पे मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए। पिछले लगभग 2 साल से आप वो हमारे सामने रख सके और उसका निवारण किया जा सके। आप भी इस परिवार के हिस्सा हैं और जैसे कल ज्योति साहब ने भी डोडा में बताया था, ये सिर्फ समय की बात है। आज हम वर्दी में हैं, कल हम भी आपके समक्ष बैठे हुए होंगे, तो इसलिए अगर ये हम अपना परिवार मानते हैं तो ज़रूरी है कि जिसका जो प्रॉब्लम है जहाँ तक मुमकिन है रूल्स रेगुलेशंस के गए हैं। लेकिन शायद सभी इंटरनेट या मोबाइल के ऊपर किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करना है वो जानकारी शायद आपके पास नहीं होगा, तो वो भी इस मीट के माध्यम से आपको हम अवगत करवाएंगे। और ये आपके लिए आसान भी रहेगा, बहुत सारे चीज़ें जैसे लाइफ सर्टिफिकेट है आजकल वो डिजिटाइज हो गया है, आपको जाके कहीं पे फिजिकली मौजूद होके देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिकल आया, हफ्ते की दवाई देंगे उसके बाद फिर कुछ नहीं, दोबारा अगर जाएंगे तो कुछ नहीं होता सर। नंबर दो सर, यहाँ सिचुएशन कंटिन्यू होना चाहिए सर, के साथ कोई पैसेंजर हो उनका सेफ्टी आपके हाथ में होता है, तो जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं उसके बाद जहां पे भी आपको ये मौका मिलता है चलाने के लिए, जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसको आप फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि यहां पे हम देखते हैं कि रास्ता कैसे भी हो बहुत स्पीड करते हैं, ओवर स्पीड हम करते हैं, और आप लोगों को पता होगा कि कितने सारे हादसे हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं जिम्मेदारी के साथ चलाएं और सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, जो एक ज़िम्मेदार नागरिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और आप लोगों को तहे दिल से हमारा बेस्ट विशेस, आप खूब तरक्की करें और आज आप ये ट्रेनिंग का आपको कोई फ़ायदा हो जिसमें आप अपना क्या कहते हैं एक तरह से जो है अपना भरण पोषण भी कर सकें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से सीखिए और जितने भी यहाँ पे अभी आप लोग शामिल हैं सभी को जो है एक ही गो में जो है परमानेंट लाइसेंस मिलना चाहिए, है ना। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए
बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो